हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। हम लेक्चर फ्लो बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है कि हम सबसे पहले समझेंगे स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है, फिर उसको स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे हुक्स लॉ के, हुक्स लॉ से जो फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट के आया है वो उसको पढ़ेंगे, एफ बराबर माइनस के एक्स। फिर उसके बाद हम उस स्प्रिंग को वर्टिकली रखेंगे और फिर देखेंगे उसका मीन पोजीशन क्या है, नेट फोर्स क्या है, और उसको स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेच कर जब छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा और कितने फोर्स, कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में मददगार साबित होगा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्प्रिंग को अगर हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग, बेसिकली कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर कुछ इस तरह का सवाल करेंगे। तो एंड तक बने रहे, बेहतरीन अंदाज में आपका पूरा स्प्रिंग का बेसिक जितना भी है और आगे का जितना भी टॉपिक है, जहां जहां स्प्रिंग मिलने वाला है उस सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए ये एक लेक्चर सफिशियंट है। तो मेरे साथ इन तक बने रहें और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर का जितना भी लेक्चर, उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ही बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्प्रिंग फोर्स करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में, और स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले स्प्रिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो टिप टॉप पेन आता है उसको जब आप खोलिएगा तो रिफिल के अंदर आपको छोटा सा स्प्रिंग देखने को मिलेगा, साइकिल के स्टैंड में आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा, बाइक के स्टैंड में आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा। तो वो सब क्या है, स्प्रिंग है। जो आपका सॉकर है, बाइक में आप सॉकर देखते होंगे इस तरह का रहता, वो भी एक्चुअली में क्या है, स्प्रिंग ही है। ठीक है, तो वही स्प्रिंग है। उसके बारे में हम समझते हैं कि स्प्रिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस किस फैक्टर पर वो डिपेंड करेगा। ये मान लीजिए कि स्प्रिंग है जिसको हमने एक मास से जोड़ दिया है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है जिसको हमने क्या किया, एक मास से जोड़ दिया। अब जब हम इसको, ये अपना रुका हुआ है, इस कंडीशन में इसके पास जो चीजें हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले इस कंडीशन में ये रुका हुआ है, ना ये आगे जा रहा है और ना ही ये पीछे आ रहा है। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कहेंगे नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग की इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, नेचुरल लेंथ, मतलब ये अपने नेचुरल लेंथ पर है। ठीक है, अब जैसे ही हम मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किए, ये स्प्रिंग यहां था, मास यहां था, अब हमने इस पर फोर्स लगाया और इस मास को खिसकाकर यहां कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां तक क्या दे रहा है, नेचुरल लेंथ, यहां से यहां तक दे रहा है नेचुरल लेंथ। लेकिन इतना हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हमने कैसे बढ़ाया, तो इस पर फोर्स अप्लाई करके, एफ अप्लाइड, हमने फोर्स अप्लाई किया और ये स्ट्रेच्ड होकर यहां पहुंच गया। जब ये स्ट्रेच्ड होकर यहां पहुंचा है तो ये इसका नेचुरल लेंथ था इस पॉइंट तक, लेकिन अब इसके पास जो लेंथ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेच्ड लेंथ। अब जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड लेंथ। पहले यहां तक नेचुरल लेंथ था, लेकिन नेचुरल लेंथ से खिसका के हमने इसको आगे कर दिया। क्या लफड़ा फंसा रहे हो, नेचुरल लेंथ से खिसका आगे कहां कर दिया, आगे कर दिया। तो अब इसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेच लेंथ। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेच लेंथ। अब ये स्ट्रेच लेंथ है, हमने इस पर फोर्स लगाया। अब होता क्या है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे स्प्रिंग ले लीजिए या फिर आप मिठाई के डब्बा में जो रबर आता है उस रबर को आप लीजिए और स्ट्रेच कीजिए। जैसे ही आप चुटकी से पकड़ के उसको खींचते हैं तो आपके चुटकी पर महसूस होगा कि चुटकी को वो वापस खींच रहा है ना। आपने रबर पकड़ा और उसको स्ट्रेच किया,
आप फील करते हैं कि ये वापस आना चाहता है, मतलब आपने चुटकी से उसको अगर राइट साइड खींचा है तो रबर आपको किधर खींचेगा, लेफ्ट साइड। मतलब ये है कि जब भी आप इसको इसके नेचुरल लेंथ से खिसकाइएगा, आगे या पीछे कैसे भी आप इसको स्ट्रेच कीजिएगा या इसको कंप्रेस कीजिएगा, अगर हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, कम जगह लेगा, खींच रहे हैं तो स्ट्रेच्ड हो गया। तो आप इसको अगर फोर्स लगाते हैं तो आप फील कीजिएगा कि ये अपने इस अवस्था को वापस पाना चाहता है। ये क्या चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ पर वापस आ जाएं। नेचुरल लेंथ पर वापस आने के लिए ये क्या करता है, वापस एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। ये कब क्रिएट होगा, जैसे ही आप उसके नेचुरल लेंथ से उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, चाहे वो स्ट्रेच वाला हो या फिर कंप्रेशन वाला हो, दोनों ही केस में वो अपने अवस्था को क्या करेगा, वापस पाना चाहेगा। इसमें आपने स्ट्रेच किया था, हो सकता है कि आपने उसको दबाया हो, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, ये सब एक जगह इकट्ठा हो गया, ये यहां आ गया। इस केस में आपने क्या किया, इधर अप्लाई किया फोर्स, आपने फोर्स इधर अप्लाई किया। नेचुरल लेंथ कहां लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है, ये नेचुरल लेंथ। लेकिन अब इसका जो कंप्रेस्ड लेंथ है, कंप्रेस्ड लेंथ वो इतना है, तो आप स्ट्रेच कीजिए, खींच कर लंबा कीजिए या ढकेल के छोटा कीजिए। अब इस वाले में भी ये क्या कर रहा था, अपने नेचुरल अवस्था को पाना चाह रहा था, इसमें भी क्या करेगा ये नेचुरल, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ये हो जाएगा रीस्टोरिंग। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हमेशा ये अप्लाइड के अपोजिट ही फोर्स लगाना चाह रहा है, अप्लाइड के अपोजिट। अब एक पॉइंट और आप समझें, ये इसका इनिशियल पोजीशन, इसको हम आई से दिखा रहे हैं, ये इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन। इसको जब आपने स्ट्रेच किया तो फाइनल ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट किधर, इस तरफ राइट साइड में। अगर ये कितना खिसका है, अगर इसके खिसकने की बात हो तो ये एक्स दूरी किधर खिसका, राइट साइड। इधर ये एक्स कितना खिसका, लेफ्ट साइड। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो डिस्प्लेस है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स डिस्प्लेस हुआ राइट साइड, एक्स डिस्प्लेस्ड हुआ लेफ्ट साइड। तो आप अगर ध्यान से देखें तो राइट साइड जब डिस्प्लेस हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। ये राइट साइड डिस्प्लेस हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। डिस्प्लेस हुआ अगर ये लेफ्ट साइड तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है। तो और दूसरी चीज ये है कि जितना आप लंबा खींचिएगा, मान लीजिए कि आपने उसी रबर को फिर से लीजिए और हल्का खींचिए तो आपको हल्का फोर्स महसूस होगा, पूरा खींचिएगा तो बहुत ज्यादा फोर्स महसूस होगा। मतलब यह है कि फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और साथ में क्या, माइनस। तो माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं राइट तो रीस्टोरिंग लग रहा है लेफ्ट, और अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट तो रीस्टोरिंग किधर लग रहा है, राइट। क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसको अपना ये वाला अवस्था चाहिए। और दूसरी चीज, तो ये माइनस का कहानी समझ में आ गया। अब लेकिन एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एक सेंटीमीटर खिसकाते हैं तो एक सेंटीमीटर लाइक उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा, 10 सेंटीमीटर खिसकाइएगा तो 10 सेंटीमीटर। इसलिए जितना एक्स होता चला जाएगा, मतलब एक्स अगर इंक्रीज होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जितना बढ़ेगा, मतलब लीनियर डिपेंड कर रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे पर कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है एक दूसरे का। तो एफ रिस्टोरिंग, और आपको पता है जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे क्या चीज, के। तो ये आ गया फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें कौन सिंबल क्या है, देख लीजिए, एफ हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, के क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या हो गया,
डिस्प्लेसमेंट, और के क्या हो गया, के हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। के का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। अब एक चीज और समझ लेते हैं इस एक्स एक्स के रिलेटेड। देखिए, अगर के रिलेटेड, अगर के ज्यादा है, के अगर ज्यादा है, इसका मतलब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज हार्ड। स्प्रिंग कैसा है, आप साइकिल के स्टैंड में जो स्प्रिंग है उसको आप हाथ से पकड़ के खींचिए, नहीं खिंचाएगा। इसका मतलब उसका के बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका स्प्रिंग कैसा है, हार्ड। तो इससे पता चला कि अगर के कम होगा तो स्प्रिंग कैसा होगा, स्प्रिंग इज सॉफ्ट। और अगर मान लीजिए कि इफ के अगर जीरो हो जाए, मतलब कोई स्प्रिंग कांस्टेंट है ही नहीं, तो स्प्रिंग को ही स्प्रिंग अब स्प्रिंग नहीं कहलाएगा, स्प्रिंग इज नॉट एनी मोर। स्प्रिंग जो है वो अब स्प्रिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर रीस्टोर करने वाली क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये स्प्रिंग के से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि स्प्रिंग जो आप डेली लाइफ में देखते हैं अपने चारों तरफ, इसको जब आप एक अवस्था, इसको छोड़ दीजिए, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाइए, तो ये अपने किस अवस्था में रहेगा, नेचुरल। अगर आप इसको खींचते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये अपने नेचुरल से स्ट्रेच में चला जाएगा। अगर आप इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये अपने नेचुरल से कम हो जाएगा, इसमें नेचुरल से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही आप उसको खींचते हैं या दबाते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट लगता है। खींचने में ये अंदर आना चाह रहा है और दबाने में ये बाहर जाना चाह रहा है, और जितना एक्स होगा उतना ज़्यादा रिस्टोर करने का क्षमता रखेगा। तो इससे रिलेशन मिला कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। एक्स जितना ज़्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट आया एफ रिस्टोरिंग बराबर माइनस के एक्स। कौन सी चीज़ क्या है, ये बात समझ में आ रही। के का वैल्यू निकलता है किस चीज़ से, तो हुक्स लॉ से। के की वैल्यू निकलती है किससे, निकलता है हुक्स लॉ से। ठीक है, हुक्स लॉ आप पढ़िएगा इलास्टिसिटी में। ठीक है, हुक्स लॉ पढ़िएगा कहाँ, इलास्टिसिटी में। वहां आप समझिएगा कि हुक्स लॉ क्या है और किस तरह से उसको के को फाइंड किया जाता है। यहां बस हम के बारे में समझ रहे हैं, उसके एसआई यूनिट के बारे में समझ रहे हैं, के कितना होगा तो स्प्रिंग हार्ड, के कितना होगा तो स्प्रिंग सॉफ्ट। तो इतना नोट कीजिए फटाक से, फिर आगे की बात करते हैं। बात किया अभी तक, ये स्प्रिंग कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। स्प्रिंग कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब रखा हुआ है तो इतनी बातें हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को वर्टिकली रखें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब हमने स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग को लटका दिया है। ठीक है, स्प्रिंग को लटका दिया, ये स्प्रिंग लटका दिया। ठीक है, अब स्प्रिंग को लटका दिया तो ध्यान से देखिए, आपसे एक सवाल ये है कि जब हम इसको लटकाएंगे, ठीक है, जब हम इसको लटकाएंगे तो इसका नेचुरल लेंथ कहां पर होगा, जैसे उस वाले केस में था ना, ये इसका नेचुरल लेंथ, तो इसका नेचुरल लेंथ क्या होगा, इसका नेचुरल लेंथ यही होगा। और अगर ये नहीं होगा तो इससे कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ। नहीं सर, वही होगा, यही होगा, ज्यादा होगा। नहीं सर, कम होगा, कम होगा। आवाज नहीं जाएगी इधर, वैसे एक बार देख लिए तो शांत हो गई, फिर झांक रही, एक बार और आई कांटेक्ट हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगी। अब
बताओ नेचुरल लेंथ इससे कम ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा तो फिर कम कैसे हो जाएगा? ध्यान से सुनो, नेचुरल लेंथ इसका ये नहीं होगा, नेचुरल लेंथ इससे कम होगा, नेचुरल लेंथ इससे कम होगा। क्यों इससे नेचुरल लेंथ कम होगा? क्योंकि जब आप इसको लटकाइएगा तो क्या इस पर mg लगेगा नीचे? वेट लगेगा। यही तो दिमाग लगाना था। जब आप स्प्रिंग को ऐसे रखिएगा तो इस मास पर वेट लगेगा ना, अर्थ उसको खींचेगी। अर्थ जब इसको खींचेगी तो ये नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे गया तो अपने नेचुरल लेंथ से क्या हो गया? आगे आ गया। इस अवस्था से ये नीचे नहीं जा रहा है। मतलब जब हम वर्टिकली लटकाएंगे किसी भी स्प्रिंग को तो वो अपने नेचुरल से ज्यादा होगा, ठीक है? नेचुरल से ज्यादा होगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर ये रुक गया, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो हुआ? क्योंकि mg नीचे लग रहा है तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, जो कितना के बराबर? माइनस kx के बराबर। ये किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। mg किधर लग रहा है? नीचे की। तो जब आप वर्टिकली स्प्रिंग को लटकाइएगा तो एक तो इसका नेचुरल लेंथ इसके दिखने वाले से कम होगा, दूसरा जहां पर ये रुका होगा वहां पर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स जीरो को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? बैलेंस फोर्स। या ये कहिए कि यहां पर इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड पॉइंट। या फिर हम एक और नाम से इसको जानेंगे जिसको बोलेंगे मीन पॉइंट। मतलब मीन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स कितना? जीरो। बात समझ में आ रही? इस कंडीशन में इस वाले पॉइंट पर एफ किसके बराबर, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर? mg के बराबर। इस वाले कंडीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर? mg के बराबर। इस वाले पॉइंट पर। बात समझ में आ रही? अब देखो नेचुरल लेंथ से ये कितना खिसका हुआ है, मान लीजिए x नॉट खिसका हुआ है। नेचुरल लेंथ से ये कितना खिसका हुआ है? x नॉट। तो इस पॉइंट के लिए जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे इस पॉइंट के लिए, है ना, इस पॉइंट के लिए, मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या चीज? ए। इस पॉइंट को मान लीजिए, हम मान लेते हैं ए पॉइंट। ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के लिए क्या होगा? फॉर ए पॉइंट, देखो ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर ए पॉइंट, ठीक है, फॉर ए पॉइंट एफ इज इक्वल टू, एफ रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा? फॉर ए पॉइंट एफ रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स नॉट। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से जितना खींच सकता है वही ना एक्स आ जाता, वही एक्स आता है। अभी जस्ट बताए कि ये स्प्रिंग था, ये इसका नेचुरल लेंथ, हम इसको खींच के यहां ले गए, ये नेचुरल लेंथ से एक्स आया, तभी तो यहां एफ एक्स आया, एफ बराबर माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये नेचुरल से इतना खिसका, तो इसी एक्स को तो हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं। यहां नेचुरल से कितना खिसका? एक्स नॉट। नेचुरल से कितना खिसका? एक्स नॉट। अब जब ये एक्स नॉट खिसका है तो इस पॉइंट पर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स नॉट। के क्या है यहां पर? इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। के यहां पर क्या है? इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक पॉइंट और समझते हैं, ध्यान से देखिए फिर क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए यही है और इसका फिगर थोड़ा इधर बना रहे, ठीक है, यहां पर इसको, ये सेम फिगर है उसका छोटा हिस्सा। नेचुरल लेंथ मान लीजिए ये रहा नेचुरल लेंथ इसका, ये नेचुरल लेंथ हो गया। नेट फोर्स ये पॉइंट ए है, यहां पर एफ नेट कितना? जीरो। क्यों एफ नेट जीरो है? क्योंकि एमजी लग रहा है नीचे और रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा,
इसलिए नेट फोर्स। अब और यही क्या है, यहां से यहां क्या है, एक्स नॉट। अब हम क्या किए, इसको पकड़ के खींचते, मान लीजिए इसको पकड़ के खींचे और खींच कर यहां ले आए, ये दूरी यहां से कितनी है, तो मान लीजिए एक्स वन, ये यहां से दूरी कितनी, एक्स वन। तो अब जब ये मास यहां था, अब ये कहां आ गया, यहां आ गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा कि घटा, या उतना ही है, बढ़ा, क्योंकि किसमें बढ़ा, किसमें बढ़ोतरी हुई है, एक्स में, पहले इतना पर था, अब ये इतना से कितना हो गया। अब इस पॉइंट को मान लीजिए क्या चीज, बी, इस पॉइंट को क्या मान लिया हम, बी। तो अब हम फॉर बी क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, फॉर बी, ठीक है, फॉर बी रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखाएगा, माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स वन, के क्या लिखाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स वन। कोई दिक्कत इतना में, जब इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये इसका नेचुरल लेंथ, मास है 2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर दिया गया है 10 newton per meter, ठीक है, यहां पर एफ नेट कितना है, 0 है, ठीक है। इसको स्ट्रेच किया गया, यहां से खींच के लाया गया 1 meter नीचे, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को ए पॉइंट मानते हैं, आपको बताना ए पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एफ आर एट ए फाइंड, ठीक है, ये ए पॉइंट है आपका, फाइंड एफ आर एट ए, आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है कितना पर, ए पर, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हम स्प्रिंग को कैसा लटका है, वर्टिकली, तो नेचुरल लेंथ से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एम जी उसको खींच के नीचे ले जाएगा, एमजी खींच के नीचे ले जाएगा तो एक जगह जाकर वो रुक जाएगा, क्योंकि जहां रुकेगा वहां पर एमजी जितना लग रहा होगा उतना ही ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, है ना। और एफ नेट कितना हो गया, 0। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, बैलेंस पॉइंट। अगर हम इससे भी ज्यादा नीचे खींचेंगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कहां देखते हैं, तो जब आपके, जब आप सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं तो वहां पर देखिएगा, यही स्प्रिंग बैलेंस रहता है उसके पास, कुछ इस तरह का ऐसा कांटा रहेगा, है ना, और ऊपर का हल्का आपको स्प्रिंग दिखता है, यहाँ ऐसा हुक लगा रहता है, और सिलेंडर के अंदर वो ऐसे उसके इसमें डालता है और उसको ऊपर खींचता है ना। तो पहले तो स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग आप हाथ से ज्यादा नहीं खींच सकते, इसका मतलब उसका के ज्यादा है, आप हाथ से ज्यादा नहीं खींच पा रहे, इसका मतलब उसका के, आप क्या किए उसको ऐसे फंसाए सिलेंडर में और ऊपर उठाए, तो क्या यही वाला कहानी है, यही वाली कहानी है वहां पर भी, जैसे ही आप उठाए तो वो सिलेंडर, अब चूंकि वजन है उसमें गैस भरा हुआ है तो उसको खींच के कहां ले जाता है, नीचे, ऐसा है कि पूरा लेके जमीन के अंदर चला गया, एक जगह जाकर क्या होता है, रुकता, जहां रुका वहां पर एफ नेट क्या हो गया, अब जाना सिलेंडर में गैस भरवाने तो सीधे उठाना करना आ रही, तो फिजिक्स है कि नहीं, ऐसे पकड़ के उस जो वेंडर रहेगा वो कहेगा देख लीजिए कितना भरा है, आप कहिएगा रुकिए हम पहले देखें एफ नेट कहाँ 0 हो रहा है। बात समझ में आ रही है, नीचे बैठ जाइएगा इन स्टेप लेके, देखें एफ नेट कितना जमीन से ऊपर है, बात समझ में आ रही। तो ये कहानी है। अब इस पर एक सवाल कि एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ कुछ होगा, के दिया हुआ है आपको, 2 kg है, जहाँ 2 kg यहाँ पर है, यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया। अब आपको निकालना है कि अगर हम यहां से, जहां एफ नेट 0 है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, मीन पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, इससे 1 meter नीचे खींचकर हम ए पर ले आए, इस ए पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा। अब देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला आपके सामने है यहां पर। क्या आपको के मालूम है? के मालूम है। क्या आपको एक्स वन मालूम है? देखो ध्यान से, यही ना एक्स वन लिखे हैं, एफ नेट से नीचे जो आता है उसी को एक्स, एफ नेट से जो नीचे है उसी को ना एक्स वन बोल रहे हैं। तो क्या आपको एक्स वन मालूम है? क्या नहीं मालूम है? एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट कहां होगा? एक्स नॉट यही ना है। तो एक्स नॉट वहां होगा जहां पर एफ नेट, तो आप निकाल सकते हैं। और नेचुरल लेंथ पर तो कोई फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है, वहां से जब आप नीचे खींचते हैं तब ना रिस्टोरिंग फोर्स आता है,
तो इस पॉइंट पर अब देखो सवाल बनेगा कैसे, तो सवाल आसानी से बनेगा। पहले आपको क्या निकालना होगा, एक्स नॉट, एक्स नॉट निकालना होगा और इसी में डाल देना होगा क्योंकि आपको के मालूम है, एक्स वन मालूम है। तो एक्स नॉट निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, बी। तो सॉल्यूशन करेंगे एट पॉइंट बी, एट बी, बी पर एफ नेट कितना है, जीरो। बी पर एफ नेट कितना है, जीरो। अगर बी पर एफ नेट जीरो, इसका मतलब जितना एम जी है उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स, और हम यहां मैग्नीट्यूड वाइज काम करेंगे, तो एम की वैल्यू कितनी, दो, तो दो डाल दीजिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेते हैं, टेन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स नॉट, याद है एक्स नॉट, इसको क्या ले लिए हुए, एक्स नॉट ही ना लिए हुए, तो कितना हो जाएगा एक्स नॉट। अब आप देखें ध्यान से, टू इंटू टेन, माइनस को अभी साइड कर देते क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वाइज काम कर रहे हैं, तो के की वैल्यू कितनी है, टेन। टेन इंटू एक्स नॉट, क्या 10 से 10 डिचिक हुआ, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई, 2 मीटर। अब इसमें बैठा सकते हो, अब इसमें बैठा दो, तो अब एफ आर कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स वन, तो माइनस के की वैल्यू कितनी, 10। एक्स नॉट कितना, 2। एक्स वन कितना, 1। तो 3 दहाई माइनस 30 न्यूटन क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इतना में। इसी सवाल को थोड़ा और हम लोग इंक्लाइन सरफेस पर रख के करेंगे, पहले इतना नोट कीजिए आप फटाक से। चलिए देखिए, सवाल यह है कि आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पर हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से यहां को x नॉट माने हुए हैं, यहां से यहां को क्या माने हुए, x1 माने हुए। तो सबसे पहले हम जो बेसिक्स हमने सीखा है उससे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला अभी तक क्या निकाला है, फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स को निकाला है, माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स वन। तो एक्स वन तो हमें पता है लेकिन एक्स नॉट पता नहीं है, तो इस पॉइंट को मान लीजिए ए और ए के लिए काम करते हैं। तो फॉर ए, एफ नेट कितना है, नेट फोर्स कितना है, जीरो, ठीक है। ए के लिए नेट फोर्स कितना है, जीरो। जब ए के लिए नेट फोर्स जीरो है, तो ए पर काम करेंगे, ए के लिए काम करेंगे, तो एम जी किसके बराबर, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर। एम कितना, 10। जी कितना, 10। रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, तो माइनस के एक्स नॉट, के की वैल्यू कितनी है, 200। तो 10 × 10 × बराबर 200 इंटू एक्स नॉट। माइनस को अभी साइड में रखते हैं, मैग्नीट्यूड का ही काम कर रहे हैं सिर्फ। तो 2 0 से 2 0 गया डिचिक, तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई, एक्स नॉट आ गई 1/2, 1/2 डेट इज 0.5, ये एक्स नॉट। अब एक्स नॉट जब इतना आ गया है, तो अब हम इस पर बैठा सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस के जगह पुट कर दीजिए 200, उसके बाद एक्स नॉट कितना आ गया 0.5 प्लस 0. ये कितना है, एक्स वन कितना है 0.2। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा आपको 200, और ये कितना हो गया 0.7, मतलब 140 न्यूटन, इतना ही ना आएगा जी। यहां तक आपका रीस्टोरिंग फोर्स निकल गया। अब समझते हैं आगे जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा समझिए, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालने के लिए, क्या पूछा जा रहा है जफर, बदमाशी नहीं करो जफर, क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो मीन पोजीशन है, ये जो मीन पोजीशन है, इस पोजीशन पर जो फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस्ड है, वो बैलेंस कर रहा है किसको, मतलब एट फॉर ए के लिए देखें अगर ध्यान से, तो फॉर ए एफ नेट कितना है, जीरो। एफ नेट जीरो है, मतलब कि एम जी बराबर है किसके, रिस्टोरिंग फोर्स के। क्या ये आपको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज एफ नेट अपॉन मास।
इनफिनिट अपॉन मास, यही ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहां जब हम एक तक ए के लिए देखेंगे तो ए पर जो फोर्स नीचे लग रहा है रीस्टोरिंग, वो क्या कर रहा है, नेट फोर्स कितना कर रहा है, जीरो। इसका मतलब कि यहां पर उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, इतना वाला। एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, इतना वाला। मतलब कि यहां हम लिख सकते हैं जो यहां हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आया है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स एट ए प्लस रिस्टोरिंग फोर्स एट इस पॉइंट को मान लीजिए बी, तो बी हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स एट ए, तो ए पर जो लग रहा है वो कितना आया है, 10 दहाई कितना हो जाएगा, 100 प्लस एफ आर बी, और ये टोटल कितना आया, 140। तो एफ मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एट बी पर कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। अब हमें एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 40 बाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स डालेंगे 40 अपॉन मास कितना है, तो कितना आ गया, 4 एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कीजिए आप, यहां टोटल रिस्टोरिंग फोर्स कितना, 140, लेकिन ये पूरा 140 आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए तक जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो एमजी को बैलेंस करने में जा रहा है। तो जब एमजी को बैलेंस करने में वो रिस्टोरिंग फोर्स जा रहा है, तो उस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो गया, और एक्सेलरेशन तब होगा जब एफ नेट हो, तो इस पॉइंट पर एफ नेट नहीं है, तो इस पॉइंट तक का फोर्स कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बच गया रिमेनिंग कौन सा, यहां के बाद ये 0.2, तो 0.2 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हमने यहां निकाल लिया कि टोटल रिस्टोरिंग फोर्स बराबर कितना, ए पर जो लग रहा है वो प्लस बी पर जो लग रहा है वो, तो टोटल हमने निकाल रखा है। ए पर वाला हमने निकाल लिया कि ए पर लग रहा है तो ये नीचे लगेगा 10 × 10, यही ना एफ आर हो जाएगा, एफ आर बराबर एम जी, तो 100, तो एफ आर भी आ गया कितना, 40। अब 40 आ गया है तो कितना आ गया, वही 4 में ये 40/10 कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जो वहां वाला कॉन्सेप्ट है बस उसी को यूज करना है आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि जो एक्सेलरेशन है वो यहां के बाद वाला देगा, एक्सेलरेशन जो है वो यहां के बाद वाला, क्योंकि यहां तक वाला तो बैलेंस करने में जा रहा है, बैलेंस करने में जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन देगा नहीं, तो यहां के बाद वाला देगा। तो यहां के बाद वाले के लिए हम रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं, यहां के बाद के लिए रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स वन, यहां के लिए अगर निकाले तो के कितना, 200, एक्स वन कितना, 0.2, डिचिक डिचिक कितना आ गया, 40, एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ आर अपॉन एम, 40 बटा मास कितना, 10, कितना आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये इतना लंबा गया और ये देखा जाए तो मुंह पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इतने में दिक्कत है। अब जब ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो आप इस पर भी सवाल बना सकते हैं, इसलिए पहले इतना नोट कीजिए फिर इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, इतना नोट कीजिए। अब इस सवाल को करते हैं सेम टू सेम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है आपको उसी को यूज करेंगे और इसको भी बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स को यहां रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एफबीडी बनाइए, ठीक है, एफबीडी बनाते हैं। तो ये रहा 2 kg, ठीक है, 2 kg, इस 2 kg पर नीचे लगेगा एमजी, इधर लगेगा एमजी कॉस 37, इधर लगेगा एमजी साइन 37, एमजी साइन 37, 37, 53 आपको एंगल नहीं पता है तो 53, 5, 3 और 37, 4, अब आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एमजी कॉस एम कितना है, 2, जी है 10, और साइन 37, साइन 37 मतलब 3/5, तो 5 × 10 तो 12, इधर लगेगा 12 न्यूटन, ठीक है, इधर लगेगा 12 न्यूटन। और इसका तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगा वो या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हम खींच के छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन
इस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा क्योंकि खींच के छोड़ेंगे। तो अब आप देखें 12 न्यूटन लग रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है 12 न्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 12 न्यूटन। अब आप क्या निकाल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके मीन पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर जो फोर्स लगता है वो तो बस mg को बैलेंस करता है, मतलब इस पॉइंट पर जो mg cos mg sin 37 लगेगा किस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर, वो रीस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस करेगा। अभी जस्ट हमने बताया जो नेट एक्सेलरेशन देगा वो कितना देगा, 0.1 मीटर वाला देगा। तो हम इतना का रीस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं, तो FR बराबर रीस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस KX1 मान लीजिए, तो माइनस K इसका कितना है, तो K मैंने लिखा नहीं, एक सेकेंड मैं K लिख लेता हूँ। K है इसका 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, K इसका है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, K इसका 100, तो K माइनस 100 इंटू X1 कितना, 0.1 डिचिक डिचिक डिचिक, तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया माइनस 10 न्यूटन। अब आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स माइनस 10 अपॉन मास कितना है 2 kg, माइनस 5, तो ए कितना आ गया माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो लंबे प्रोसीजर से जाना कोई अच्छी, मतलब बेसिक है वो, आपके दिमाग में होना चाहिए और वो होगा तो ही ये आप शॉर्ट ट्रिक समझ पाएंगे कि है क्या। जो मीन, याद रखिए, जो मीन पोजीशन पर, मीन पॉइंट पर जो इसका रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो बस mg को बैलेंस करेगा, तो नेट फोर्स जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए हमें उससे ज्यादा चाहिए, तो जो उस मीन पोजीशन के बाद का जो फोर्स होगा वही आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम उसको निकालेंगे और मास से भाग दे देंगे, तो हमें निकल जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना। तो पहले नोट कीजिए इतना, फिर हम लोग और अच्छी अच्छी बातें करें। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग में एक मास लगा हुआ है। जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आगे न्यूमेरिकल में काम देगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मास में लगा हुआ है। एक आदमी इसको यहां से पकड़े हुआ है, ठीक है, पकड़ रखा है उसने। एक दूसरा आदमी है जिसने यहां से पकड़ा हुआ है और स्ट्रेस्ड है, ये वायर क्या है, स्ट्रेस्ड है। तो इस स्ट्रेस्ड वायर के, तो इसके पास, इसकी दूरी चूंकि ये खींचे हुआ है, तो इसके पास दो इंड है, एक इंड का नाम है ए और दूसरे इंड का नाम है बी। एक इंड का नाम, या दो आदमी है, एक ए और दूसरा बी, एक ए और दूसरा बी है। अब ए और बी है, तो उस दोनों ने इस वायर को, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड कर रखा है, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, एल नॉट प्लस, एल नॉट क्या है, मान लीजिए एल नॉट क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इसको उसने एक्स दूरी खींच रखा है, तो स्ट्रेच्ड लेंथ ये क्या हो गया, स्ट्रेच्ड लेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेच लेंथ हो गया। अब जब ये स्ट्रेच लेंथ है, तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो गया एल नॉट प्लस एक्स नॉट, एक्स, बात समझ में आ रही है, एल नॉट प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हम बारी बारी से बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बी वाले के लिए, फॉर बी, फॉर मैन बी, ठीक है, फॉर मैन बी। अगर मैन बी छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ दे, यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां भी लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना माइनस के एक्स नौ एक्स, और यहां भी फोर्स लग रहा है कितना माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स दोनों ही एंड पर लग रहा है क्योंकि दोनों ने ही स्ट्रेच कर रखा, ठीक है। अगर यहां से ले तो माइनस के एक्स, यहां से ले तो माइनस के एक्स, है ना, दोनों जगह पर ही रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए, फॉर मैन बी के लिए। अब जब हम मैन बी के लिए बात करेंगे, तो ध्यान से कुछ पॉइंट समझना है कि मैन बी अगर छोड़े इस, अगर मतलब कि जस्ट आफ्टर
releases, just after releases the block, the mass m, किसके लिए बात कर रहे हैं? बी के लिए. बी ने ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है, बी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, उधर ए है और ए ने क्या किया है, वो दूसरे एंड को पकड़े हुआ है. एक एंड पर मास जुड़ा हुआ है, दूसरे एंड पर मास नहीं है. एक एंड पर मास जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड पर मास नहीं है, ठीक है. एक एंड पर मास जुड़ा हुआ है, दूसरे पर मास नहीं. अब ए ने क्या किया, सॉरी बी ने क्या किया, छोड़ दिया. बी ने मास को क्या किया, छोड़ दिया. तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि एक्स. तो जस्ट आफ्टर रिलीजेस द मास एम, स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? जस्ट आफ्टर रिलीजेस द स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ? स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स. स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? माइनस के एक्स. ठीक है सर, स्प्रिंग फोर्स तो समझ में आ गया. अच्छा, इस मास के पास एक्सेलरेशन, ये इधर भागेगा एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ इस तरफ की अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स माइनस के एक्स अपॉन एम. ये एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन. पहला पॉइंट, जस्ट आफ्टर रिलीजेस द मास एम, पहला पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स इतना होगा, एक्सेलरेशन इतनी होगी, एक्सेलरेशन इतना होगा. अब क्या जैसे ही ये छोड़ेगा तो इस मास में क्या इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा? नो. ये तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीजेस, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है. देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज. अब ये समझना है कि ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, बी एंड के लिए बात कर रहे हैं. फॉर मैन बी, उसने मास पकड़ा हुआ था, खींचकर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना? माइनस के एक्स. एक्सेलरेशन कितना? माइनस के एक्स अपॉन एम. एक्सेलरेशन कितना? माइनस के एक्स अपॉन एम. क्या वहां पर इंस्टेंटेनियस चेंज होगा? नो, देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज. क्यों? क्योंकि मास, क्यों? तो वाई इसका जवाब है कि मास होने की वजह से बदलाव में, यहां जो बदलाव आएगा आगे खिसकेगा, उस बदलाव में वक्त लगेगा. यह बात समझ में आ रही? क्यों इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मास है. तो यह खिसकेगा तो तुरंत नहीं खिसकेगा, खिसकने में टाइम लगाएगा क्योंकि मास है इसके पास. यह बात समझ में आ रही? यह किसकी कहानी है? यह बी की कहानी है. बात समझ में आ रही? यह बी की कहानी. बी के पास जब बी छोड़ेगा इस मास को, तो जस्ट आफ्टर रिलीजेस द मास एम, स्प्रिंग फोर्स इतना, एक्सेलरेशन इतना, देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज. वहां पर कोई इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास होने की वजह से बदलाव में वक्त लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, तो इंस्टेंटेनियस चेंज वहां पर नहीं होगा. ठीक है, ये एक केस है. अब मान लेते हैं कि अगर बी नहीं छोड़े, कौन छोड़े? ए छोड़ता है. अगर ए छोड़ेगा तो क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा. फॉर ए, अब यहां हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर ए के लिए. फॉर ए, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फॉर ए. ए के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या ए के पास, ए ने जिस छोर को पकड़ा हुआ है, क्या वहां पर मास है? आप कहिएगा नहीं सर, वो तो स्प्रिंग के छोर को पकड़े हुआ है उसके पास, वो छोड़ेगा भी तो स्प्रिंग के दूसरे सिरे को छोड़ेगा, स्प्रिंग के जिस हिस्से को पकड़े हुआ उसको छोड़ेगा, यहां पर कोई मास नहीं है. तो फॉर ए मास नहीं है, फॉर ए मास नहीं है, ठीक है. फॉर ए, ए के पास मास नहीं है, इसने किसी मास को नहीं पकड़ा हुआ है, तो मास नहीं है, ठीक है. इसलिए हम स्प्रिंग के इस सिरे को, इसलिए हम स्प्रिंग के
इस सिरे को इस हिस्से को, इस पॉइंट को, स्प्रिंग के इस पॉइंट को फ्री एंड बोलेंगे। पॉइंट को फ्री एंड, स्प्रिंग के इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्री एंड कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? बी के लिए अब हम लोग काम कर रहे हैं, बी का काम खत्म है, अब हम लोग ए के लिए काम कर रहे हैं। ए ने क्या किया? इस हिस्से को छोड़ा। अब इस हिस्से को जैसे ही छोड़ेगा, ठीक है, तो चूंकि इस हिस्से पर कोई मास नहीं है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फ्री एंड। इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इस पॉइंट का नाम हो जाएगा फ्री एंड। क्यों बोल रहे हैं फ्री एंड? क्योंकि मास नहीं है। ये बात दिमाग में रखना, मास नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहेंगे? फ्री एंड। ठीक है सर, समझ में आ रहा है बात? आ रही बात अच्छे से? अच्छा, जब जस्ट आफ्टर रिलीजेस, अब आते हैं अपने मुद्दे पर। जस्ट आफ्टर रिलीजेस एक्सेलरेशन होगा। जस्ट आफ्टर रिलीजेस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप वो बताना, फोर्स बाय मास, ये तो होता है फॉर्मूला। एक्सेलरेशन कितना होगा तो फोर्स, मास कितना है तो मास तो है ही नहीं, मास कितना है? मास नहीं है तो मास की वैल्यू कितना डाल देंगे? जीरो। मास नहीं है तो मास की वैल्यू कितना पुट करेंगे? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? इनफाइनाइट। ओ माय गॉड्स एक्सेलरेशन कितना होगा? इनफाइनाइट। अब समझिए, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को इस तरह से छेड़ा होगा। किस तरह से सर? बैठा हुआ है आप, आपके हाथ में वो रबर है, मिठाई के डब्बा को जो पैक करता है रबर, ठीक है, वो रबर जो लड़कियां बाल में बांधती हैं, पतला सा होता है, ठीक है, ज़्यादातर बैंक में देखने को मिलता है, जो नोट की गड्डी को जो टाइट करता है रबर, आपको मिल गया कहीं से। आपने क्या किया, दोस्त आपका बैठा हुआ है, ठीक है, आपका दोस्त बैठा हुआ, आपने क्या किया, चुपके से गए, रबर को तोड़ दिया, तो रबर अब लंबा हो गया, जो लूप में था, जो सर्कुलर फॉर्म में था, जो लूप में था, उसको आपने स्ट्रेट कर दिया। बैठा हुआ आप ले गए और ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं उसके कंधे के पास या गर्दन के पास, ऐसे पकड़े हुए हैं और ऐसे टान के एकदम पड़ाक से ऐसे छोड़ा, पड़ाक, भाई साहब मार दिया तूने, बात समझ में आ रही है? आपने ऐसे किया और छोड़ा, पड़ाक। अब ध्यान से देखिए, उस स्प्रिंग को, हालांकि वो रबर में भी तो वही स्प्रिंग वाली क्वालिटी, अब आपने उसको स्ट्रेच किया, इस वाले को आपने पकड़े रहा, मतलब ये मास वाला हो गया, इस वाले को आपने छोड़ दिया, तो यहां पर उस रबर से तो कोई मास अटैच था नहीं, तो फ्री एंड हो गया। अब फ्री एंड हो गया, जैसे ही आपने छोड़ा, अपने के प्लग झपकने से के अंदर ही वो गया और सेक दिया, उसको सोट दिया आपने, तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कितना? इनफाइनाइट, मतलब जाते हुए दिखेगा भी नहीं, उस तबाक लग गया उसको, चोट लग गई चोट उसको, बात समझ में आ रही? तो ये जो एंड है ये कितना एकदम तबाक जाके लगता उसको, तो एकदम उस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन कितना? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन चला गया। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हमने तो एक्सेलरेशन की बात कर ली, अब फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स होगा। मास तो है ही नहीं, क्या मास है उसके पास? मास तो है ही नहीं, तो मास जब नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? जीरो। स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? जीरो। ये पॉइंट आपके समझने की है, क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग सवाल करेंगे कि एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से एक ब्लॉक रखा हुआ है और उसमें उसको हमने कट कर दिया, तो बताइए उसके साथ क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब स्प्रिंग कटेगा तो फ्री एंड जनरेट होगा, तो फ्री एंड जब जनरेट होगा तो ये पॉइंट्स वहां पर लगाना है। जब मान लीजिए स्ट्रिंग कटेगा, ऐसा भी सवाल अभी हम लोग करेंगे कि ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है और फिर ये स्प्रिंग ऐसे है
और हमने यहाँ अब इस स्ट्रिंग को काट दिया, तो काटने से फ्री एंड तो जनरेट हुआ ही नहीं, फ्री एंड तो जनरेट हुआ ही नहीं। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या क्या पॉइंट्स आपको यूज करना है, बात समझ में आ रही? तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये किसके लिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर सवाल बनाने के लिए। तो जब आप कट करेंगे फ्री एंड जनरेट होगा, और जब आप कुछ इस तरह से कट करेंगे कि फ्री एंड जनरेट नहीं होगा, तो इस वाले केस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाना है, इस वाले केस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाने, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए, बात समझ में आ रही? तो हमने क्या समझा कि ये स्प्रिंग है, इसको दो आदमी ने पकड़ लिया, एक के पास मास है दूसरे के पास मास नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है स्प्रिंग, तो इधर मास है और इधर मास नहीं है, इधर चुटकी से पकड़े हुआ है। तो बी और ए, तो ये नेचुरल लेंथ स्ट्रेच वायर टोटल लेंथ, ये बी के लिए जस्ट आफ्टर रिलीजेस, जस्ट आफ्टर रिलीजेस मास एम, रिलीजेस द मास एम, स्प्रिंग फोर्स होगा इतना, एक्सेलरेशन होगा इतना, और देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज। हाँ, अब ये पॉइंट आ गया, देयर इज नो इंस्टेंटेनियस चेंज, लेकिन यहां इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, इसको मिटा दो। ये तीसरा पॉइंट, देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज, There is instantaneous change, ये दिमाग में आपके होना चाहिए कि यहां पर instantaneous change होगा। क्यों होगा? क्योंकि मास तो है ही नहीं, यहां मास था इस वजह से ना बदलाव में वक्त लग रहा था, यहां तो acceleration infinite है, पड़ाक से जाकर change हो रहा है, तो instantaneous change होगा। मतलब spring में दो condition आपको याद रखना है कि spring में instantaneous change होगा कब, जब फ्री एंड होगा तब, और इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होगा कब, जब फ्री एंड नहीं होगा, मतलब वहां पर मास अटैच होगा। तो ये सवाल आपके दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज, बात समझ में आ रही? ये किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, फॉर स्ट्रिंग there is instantaneous change, ठीक है, there is instantaneous change। कैसे? ये string है, हमने इसको कट कर दिया, तो कट करने से पहले टेंशन था, कट करने के बाद टेंशन नहीं है, तो सेकंडों में इंस्टेंटेनियस चेंज उसके अंदर पैदा हो गया, बात समझ में आ रही? पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए फर्स्ट क्लास। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट हमने समझा है, इस पॉइंट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने ये स्ट्रिंग बांधा हुआ है और यहां पर कोई पैसेज है, ठीक है, मास डालने लायक, यहां भी आपने एक स्ट्रिंग यहां भी है और यहां पर आपने स्प्रिंग डाला हुआ और यहां भी कोई पैसेज है मास डालने लायक, आपने क्या किया, इसके अंदर 2 kg डाला, ठीक है, जैसे ही आपने 2 kg पुट किया, इसका टेंशन आ गया, इसके अंदर टेंशन कितना आ गया, जैसे ही आपने पुट किया वेट लगा 20 kg और टेंशन भी आ गया 2 kg, आपने इसमें डाला, ठीक है, इसमें डाला, जैसे ही आपने 2 kg इसके अंदर पुट किया, इसका भी इंस्टेंटेनियसली 2g आ गया और इसका भी ऊपर कितना आ गया 2g, ये तुरंत हुआ, ठीक है, ये तुरंत हुआ। ये आपको मैंने 2 केस बताए ना, स्ट्रिंग और स्प्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग में जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे ही 2 kg डाला एट रैंडम, उसी वक्त 2 kg डालने से नीचे लगा 2g, वेट 2g लगा और टेंशन कितना लगा 2g। स्प्रिंग में भी आपने जैसे ही 2 kg डाला नीचे लगा 2g और ऊपर टेंशन कितना लगा, रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा 2g। लेकिन अब आपने क्या किया, इसके ऊपर 1 kg और पुट कर दिया, तो जैसे ही आपने 1 kg और डाला, तो डालते ही अब इसमें लग रहा है 3g और टेंशन भी कितना हो गया 3g। डालते ही 1 kg आपने डाला और डालते ही इसका वेट हो गया 3g और टेंशन उसी इंस्टेंट 3g के बराबर हो गया। लेकिन स्प्रिंग में जब आप 1 kg डालोगे
तो ये एट रैंडम 3G नहीं होगा, ये टाइम लगाएगा बैलेंस होने में, ये पहले नीचे जाएगा फिर बैलेंस होगा और फिर जाकर नेट फोर्स जीरो होगा। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज, जो मैंने वहां बताया आपको, स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज होगा भी और नहीं भी होगा, होगा भी और नहीं भी होगा, ये दोनों ही केस मैंने आपको लिखा। होगा कब? जब फ्री इंड क्रिएट होगा। नहीं होगा कब? जब मास होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दो एग्जांपल से मैंने और क्लियर कर दिया, स्ट्रिंग और स्प्रिंग का कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि स्ट्रिंग में आप डालोगे इंस्टेंटली वो बदलेगा, लेकिन स्प्रिंग में जब आप पहले डालोगे तो इंस्टेंटली बदलेगा, लेकिन सेकंड टाइम में वो थोड़ा वक्त लगा रहा है, वो थोड़ा वक्त लगा रहा है बदलने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा भी और नहीं भी होगा, ये दो तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक फ्री इंड और ना कर क्रिएट करके और दूसरा मास के बेसिस पर। अब एक सवाल देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यही है, इसी को ले लें, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, 2 kg का है, ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है, ये स्प्रिंग से बताओ 2 kg का है, हमने दोनों को कट कर दिया। जैसे ही हमने दोनों को कट किया, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले फोर्स से ये गिरेगा, एक्सेलरेशन से गिरेगा। इसके साथ क्या होगा? तो इसके साथ भी ये भी गिरेगा जी से। कैसे सर? क्योंकि जैसे ही आपने कट किया, क्या स्प्रिंग का फ्री इंड क्रिएट हो गया? जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को कट किया तो इसमें तो आपको कोई, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है स्ट्रिंग वाले केस में कि आपने कट किया और इसमें कोई रीस्टोरिंग और पीस्टोरिंग वाली बात नहीं। जैसे आपने कट किया ये गिरना स्टार्ट हुआ, जिसे ये गिरेगा जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। लेकिन इसमें आपने कट किया और जैसे ही आपने कट किया तो कट करते ही इस स्प्रिंग का फ्री इंड क्रिएट हो गया, और जब फ्री इंड क्रिएट होगा तो एक्सेलरेशन फास्ट, स्प्रिंग फोर्स जीरो। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल है, नीचे, सीधे नीचे। बात समझ में आ रही है? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर सवाल है, ठीक है? 3 न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कहता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग, तीनों में कहीं ना कहीं से कटिंग किया की जा रही है, और कटिंग करने के बाद आपको एक्सेलरेशन बताना है मासेस का। तो सबसे पहले पहला सवाल, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं बिफोर कटिंग, कटने से पहले, ठीक है? बिफोर कटिंग की अगर हम बात करें, तो बिफोर कटिंग की बात करें तो सबसे पहले बना लीजिए ये, ठीक है, बिफोर कटिंग, और ये नीचे, ठीक है, और 4 kg, क्वेश्चन यही है, 2 kg। अब ध्यान से देखिए, इस पर जो फोर्स सब लग रहा है उसको लिख लेते हैं। तो नीचे 4 kg है तो इस पर लगेगा 40 न्यूटन। बात समझ में आ रही? 40 न्यूटन लगेगा, mg 40 न्यूटन। ऊपर भी लगेगा 40 न्यूटन, स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो गया 40 न्यूटन। अब 40 न्यूटन लगा है तो इस पर अब बात करें, 40 न्यूटन इसका नीचे कितना लगेगा, 20 न्यूटन। तो यहां टेंशन कितना लगेगा, तो 20 और 40 60। इस यहां जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 60। क्यों 20 इसका और 40 इसका? क्योंकि ये दोनों को होल्ड किया हुआ है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, 20 और 40 60। अब हम लोग आफ्टर कटिंग की बात करते हैं, ठीक है? आफ्टर कटिंग, तो आफ्टर कटिंग में ध्यान से देखें आप, ठीक है? आफ्टर कटिंग 2 kg, 4 kg, ठीक है? ये 40, ये 20, ठीक है, ये 60। अब हमने यहां से कट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम नीचे से बात करते हैं। ये कट कर दिया, तो ये कट किया, तो अब हम अगर 4 kg की अगर हम बात करें, क्या इसके कटने से, क्या यहां इस स्प्रिंग में, हम 4 kg की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 kg की बात कर रहे हैं, क्या यहां कटने से क्या इस स्प्रिंग में कोई फ्री इंड जनरेट हुआ है? आप कहिएगा नो सर, कोई फ्री इंड तो जनरेट नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने फ्री इंड और मास वाले इंड की बात की है, कोई फ्री इंड जनरेट नहीं हुआ। और आपको पता है फ्री इंड जनरेट नहीं हुआ है तो कोई भी चेंज नहीं होगा,
फ्री इंट जनरेट होता है तो इंस्टेंटेनियस चेंज आ जाता है, तो फ्री इंट चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं, तो एज इट इज फोर्स इसको लिख दीजिए। नीचे कितना लग रहा है 40, ऊपर कितना लग रहा है 40, नेट फोर्स कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट हो गया 0, 40 माइनस 40 0, मास कितना 4 kg, तो एक्सेलरेशन कितना 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर, ये तो आसान था। 2 kg की बात कीजिए, आइए 2 kg की बात करते हैं। तो 2 kg पर जब हम बात करेंगे तो 2 kg के लिए देखिए नीचे कितना, ऊपर, अब जैसे ही ये कटा तो टेंशन चला गया। अभी हमने स्ट्रिंग की भी बात की, स्ट्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, रखेंगे तो एट इंस्टेंट वो रिएक्ट करेगा, काट देंगे तो टेंशन भी चला गया, टेंशन भी चला गया। टेंशन भी जब चला गया है तो 2 kg, तो 2 kg पर नीचे कितना लग रहा है, तो देखिए 20 40 60 60 न्यूटन लग रहा है। इस 2 kg को इसका तो लग ही रहा है, साथ में इसका भी लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई चेंज, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये खींचेगा, खींचेगा तो कितना हो गया 20 और 40 60 न्यूटन। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो कुछ नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 60 न्यूटन अपॉन 2, तो एक्सेलरेशन हो गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, बात समझ में आ रही, मुझे बेहतरीन अंदाज में बात समझ में आ रही, फ्री इंट क्या और नहीं है, ठीक है। यहां अब इस वाले क्वेश्चन में तो फ्री इंट जनरेट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, हमने एज इट इज लिख दिया। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। ये हमने बना लिया है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 खचा को उसको नोट कीजिए, फिर मैं उसे इरेज करता हूं। चलिए 1 2 3 इसे मिटा दो यार। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर बात करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर सवाल पर ये रहा दूसरा, ठीक है, दूसरे सवाल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 kg, ठीक है, और नीचे स्ट्रिंग 2 kg, ठीक है, कट गया, ये कटा। अच्छा, कटने से पहले की कहानी, इस पे लगा 20 न्यूटन, ऊपर भी कितना लगेगा 20 न्यूटन, इस पर कितना लगा 10 न्यूटन, ये तो आपको आता है ना, ये 20 लगा नीचे तो 20 लगेगा, ऊपर 10 न्यूटन, ये इसका लगा तो ऊपर कितना लगा, अब ऊपर लगेगा 10 और 20 30 न्यूटन, कितना लगा 30 न्यूटन लगा। अब जब 30 न्यूटन लगा है तो आप कट किसको कर रहे हैं, ये तो बिफोर का था, बिफोर कटिंग, ठीक है, बिफोर कटिंग बीसी, कुछ और मतलब ना निकल लेना बीसी का, बिफोर कटिंग है वो, बीसी मतलब बिफोर कटिंग। अब यह है एसी, आफ्टर कटिंग। अब सेम फिगर बनाओ, ठीक है, 2 kg और ये कितना है 1 kg, 2 kg और ये 1 kg, हमने यहां कट कर दिया, तो ध्यान से देखिए, ये 20 न्यूटन हमने यहां कट कर दिया। अब जब यहां हमने कट कर दिया है, और ये 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है, और ऊपर कितना लग रहा था 30 न्यूटन। अब हम काम कर, हमने कट कर दिया, हम बात करते हैं 2 kg के लिए, फॉर 2 kg, ये 2 kg, नीचे कितना लग रहा है 20, और आपने अभी मैंने बताया ना, स्ट्रिंग में इंस्टेंट चेंज आता है, जो टेंशन ऊपर 20 लग रहा था, वो अब कुछ नहीं, वो खलास कुछ नहीं है अब, क्योंकि आपने स्ट्रिंग काट दिया है, तो वो 20 चला गया, तो 20 कुछ नहीं है, जो है अब इसके पास नीचे है, 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट बाई मास, एफ नेट कितना 20, मास कितना 2, 10, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 kg का कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 kg की बात करें, आइए 1 kg के लिए काम करते हैं, 1 kg आपने, ये 1 kg, अब ध्यान से देखिए, इसके कटने से क्या कोई फ्री इंड जनरेट हुआ स्प्रिंग में, नहीं, इसके कटने से कोई फ्री इंड जनरेट नहीं हुआ है, फ्री इंड जनरेट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि फ्री इंड जनरेट नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं है, तो ऊपर कितना है 30, नीचे कितना है 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया एफ नेट बाई एम, एफ नेट कितना 30 माइनस 10 20, मास कितना 1 kg, एक्सेलरेशन कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, ये तो लल्लू वाला खेल खेल रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि ये तो लल्लू सवाल, बात समझ में आ रही है आपको क्या करना है, एकदम आसान और एकदम सटीक और एकदम हलवा।
इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। चलिए, एक नंबर भी हो गया है मिटा दो इसको, दो नंबर भी हो गया मिटा दो इसको, अब बचा है हमारे पास सिर्फ 3 नंबर। तो जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम करते आएंगे, ठीक है, जो काम हम लोग करते आ रहे हैं वही काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए 2 kg। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग, कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा कोई बात नहीं, 1 kg। रुको यार, छोड़ो यार, यहां बनाओ सॉल्यूशन बिफोर कटिंग, ठीक है। 3 kg, 2 kg, 1 kg, ठीक है। बिफोर कटिंग की बात है तो नीचे लगेगा 10 N। यस सर, यस सर, यस सर। ऊपर लगेगा 10 N, इस पे लगेगा 20 N। तो इस पे कितना लगेगा, इस पे लगेगा 20 10 30 N इस पर लगेगा। हाँ सर, ये तो हम लोग करते आ रहे, समझ में आ रही है बात। ये लगा 30 N, तो अब कितना लगा, 30 20 50 10 60। ऊपर कितना लगेगा, अब 60 N लगेगा। ये बिफोर कटिंग की बात है, हमने सारे वैल्यूज लिख ली। अब आफ्टर कटिंग की बात करें, एसी, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे में स्टोरेज का लफड़ा है और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा क्लियर ही कर दो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा स्प्रिंग का एक एक पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, कुछ एक दो पॉइंट रह जाएगा तो वो मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा क्या करना है उसमें, ठीक है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, जैसा होगा आपको वीडियो में ही मैं बता दूंगा कि कितना है नहीं है, ठीक है। अब देखिए कटिंग कहाँ है, यहाँ, यहाँ काट दिया हमने, यहाँ काट दिया हमने, तो ये 10 N, ठीक है, हमने यहाँ काट दिया, तो ये 10 N नीचे लग रहा है, ठीक है। ये ऊपर 10 N, ये नीचे 20 N, ठीक है, नीचे 20 N, ठीक है। ऊपर लग रहा था कितना, 30 N, ठीक है, ये इस पे लगा 30 N, ठीक है, 30 N, और ऊपर कितना लग रहा है, 60 N। अब ध्यान से आपको इक्वेशंस देखने हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 kg के लिए, फॉर 1 kg, ठीक है, फॉर 1 kg, ठीक है, फॉर 1 kg के लिए बात करें अगर, फॉर 1 kg, ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉर 1 kg, 1 kg का ब्लॉक बनाइए, 1 kg का ब्लॉक बनाइए, ठीक है। 1 kg का ब्लॉक बनाएंगे तो नीचे लग रहा है 10 N, ठीक है। ऊपर कितना लग रहा है, यहां कटिंग हुआ ना, यहां कटिंग हुआ। अब जब यहां कटिंग हुआ है तो ये दोनों ही ब्लॉक, मतलब कि आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो आपको ये फील होगा कि जब आपने उसको कट किया, है, ठीक है, इसको मिटा दें, अगर आपने उसको कट किया है तो ये रहा 2 kg, ये रहा 2 kg, और ये रहा नीचे 1 kg, आपने उसको कट कर दिया। क्या दोनों के बीच में स्प्रिंग है? नो सर, दोनों के बीच में कोई स्प्रिंग नहीं है। ये 2 kg, ये 1 kg, क्या ये एक सिस्टम हो गया, क्या ये एक सिस्टम हो गया? हाँ सर, सिस्टम तो हो गया, ये सिस्टम हो गया। अब जब ये सिस्टम हो गया है तो ये नीचे कितने लगेगा, 10 N इसका, 20 N इसका, 30 N नीचे लगेगा। हाँ सर, 1 N इसका, मतलब टोटल देखो तो 3 kg, एज ए वन अगर हम मान लें, ऐसा सवाल हमने किया है इसी चैप्टर में किया है स्ट्रिंग के ऊपर, 2 kg 1 kg तो कितना हो गया, 3 kg 3 kg नीचे गया तो 30 N। ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो ये दोनों ही मूव करेगा कॉमन एक्सेलरेशन से। अच्छा सर, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स बाय एम, तो नेट फोर्स कितना है, 30 / 2 × 1 = 3, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 m/s². ये भी 10 से और ये भी 10 से। हाँ सर, बात तो सही है, ये भी 10 से और ये भी 10 से, दोनों 10 से क्रिएट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया, मतलब दोनों गिरेगा 10 है, मतलब 10 m/s² से। ये बात समझ में आ रही है कि हमने जब यहां कट किया तो ये दोनों एज वन, क्योंकि ये एक तार से, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग में इंस्टेंटेनियस चेंज आएगा, लेकिन यहां तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों एज वन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर, यहां तो कटा ही नहीं, कटा कहां है, ऊपर कटा है, तो ऊपर से इसको फर्क पड़ा क्या कि ऊपर जो टेंशन था वो गायब हो गया, तो अब बस ये एज वन सिस्टम मानकर नीचे,
नीचे आएगा, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अब हम बात करते हैं किसके लिए, 3 kg के लिए, ठीक है। अब ऊपर वाले के लिए बात करते हैं, अब ऊपर वाले के लिए बात करेंगे तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब ऊपर वाले के लिए बात कीजिए, देखिए, अब ऊपर वाले के लिए बात कीजिए, ध्यान से देखिए, फॉर 3 kg, ये तो हो गया 1 kg, फॉर 1 kg एंड, फॉर 1 kg एंड 2 kg, 1 kg और 2 kg के लिए हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए, 3 kg के लिए। तो आइए 3 kg, फॉर 3 kg, फॉर 3 kg, 3 kg पर, ठीक है, 3 kg पर नीचे कितना लगेगा, ये फ्री एंड जनरेट हुआ तो उस फ्री एंड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बस इतना पड़ा कि ये टेंशन गायब हो गया। लेकिन अब इसका, इस पर जो 30 N लग रहा है वो तो लगेगा ही, 30 N नीचे लगा, ऊपर कितना लग रहा है, 60 N, ऊपर कितना लग रहा है, 60 N। ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि जब आपने यहां कट किया तो यहां मास है, जब आपने यहां कट किया तो यहां मास है, मास है तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। यहां आपने कट किया, यहां मास है, यहां आपने कट किया, यहां मास है, यहां आपने कट किया, यहां मास है, मास है इसका मतलब फ्री एंड जनरेट नहीं हुआ, फ्री एंड जनरेट नहीं हुआ इसका मतलब कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऊपर कितना लग रहा है, 60, नीचे कितना लग रहा है, 30, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 - 30 हो जाएगा, एफ नेट बाई एम, तो 60 - 30 हो गया 30, 30/3, मतलब कि एक्सेलरेशन इसका भी कितना आ जाएगा, 10 m/s². ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग पर सवाल था। यस सर, बात समझ में आ रही है, फर्स्ट क्लास। नोट कीजिए इसको, फटाक से इसको नोट कीजिए बिना वक्त जाए किए, मैं देख लूं कितना स्टोरेज है, जल्दी जल्दी से नोट। यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहां तक बेहतरीन अंदाज में समझ लिया होगा कि किस तरह से सवाल किए गए हैं। इसमें जो अब बच जा रहा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पैरेलल और सीरीज, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, उससे कम का ही टॉपिक है, तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेंथ काफी ज्यादा हो गई और मेरा स्टोरेज का भी लफड़ा है, तो उसको मैंने इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताया है जो कि बहुत कम देर का, आप जाकर देख सकते हैं, यहां डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।